हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था वो था जनरल फीचर्स ऑफ थैलोफाइटा या एल्गी। हमने जनरल फीचर्स में क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हमने जनरल फीचर्स में एक तो हमने उसका हैबिटेट डिस्कस करा था अभी तक। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड फीचर, मेन फीचर, दैट इज़ अ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो एल्गी है उसका थैलस किस 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 फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी कि वो कलोनी बना सकता है या बिल्कुल यूनिसेलुलर है या फिर वो फिलामेंट्स बना सकता है, किस किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज है। तो बेटा जो इसकी थैलस की ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर से लेकर जाइंट फॉर्म्स तक हैं। तो इट वेरीज, थैलस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली बात, इट वेरीज। वेरीज का मतलब इट कैन बी वेरीज फ्रॉम सिंपल यूनिसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स जाइंट थैलस भी बन सकता है। सो इट वेरीज। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं पहले यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर फॉर्म में मोटाइल भी होते हैं जो खुद से मूव कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइडोमोनास, राइट, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं जैसे कि क्लोरेला। क्लियर। और हमारे पास मल्टीसेलुलर फॉर्म भी है, काफी सारे मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, तो राइट, इसमें कलोनियल फॉर्म जो कलोनी बनाती हैं, राइट, जैसे कि वॉलवॉक्स, बेटा नाम है एल्गी का वॉलवॉक्स, जो कलोनीज बनाती है। ये मोटाइल कलोनी होती है इसकी, ये मूव कर सकती है इसकी कलोनी। अनदर जो एग्जांपल, दैट इज हाइड्रोडिक्टॉन, हाइड्रोडिक्टियन, जो नॉन मोटाइल कलोनी बनाती है। क्लियर। अनदर बेटा फिलामेंटस कलोनी, राइट। तो मोस्टली जो एल्गी होती है बेटा वो फिलामेंटस ही होती है, राइट। एग्जांपल जैसे कि यूलोथरिक्स में क्लैडोफोरा, ये बनाती हैं फिलामेंटस, और भी काफ़ी सारी हैं। फिलामेंटस अनब्रांच भी होती हैं, फिलामेंटस ब्रांच भी होती है, सूडो ब्रांचिंग भी होती है, सो मैनी, राइट। अनदर है बेटा पाल्मेनोइड फॉर्म, राइट। पाल्मेनोइड फॉर्म कैसी, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना एल्गी के, इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होंगे लेकिन उनके अराउंड म्यूसिलेज होगा, राइट। सो इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय म्यूसिलेज, वो होती है पाल्मोइड फॉर्म। लाइक एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा, बट इट्स अ नेम ऑफ एल्गी टेट्रास्पोरा, जिसमें पामोइड फॉर्म बनती है। क्लियर। तो ये था इसका सेकेंड फीचर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है पिगमेंट्स। बेटा आपको याद होगा हमेशा पहले जनरल फीचर्स कर लेते हैं, उसके बाद जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ना उसमें सिर्फ यही बताएंगे कि इसमें ये वाली क्लास में ये वाला फीचर मिलता है, बस, राइट। तो इसकी हम बात करेंगे अब पिगमेंट्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो एल्गी है तो क्योंकि एल्गी होगी तो उसका थैलस कलर्ड भी होगा, फोटोसिंथेसिस करती है ये, तो इसके पास पिगमेंट्स तो होंगी, राइट। सो बेटा एक्चुअली जो एल्गी है वो फोटोऑटोट्रॉफिक है, और जो उसकी पिगमेंट्स होती हैं ना उनके क्लोरोप्लास्ट में होती हैं, और जो उसकी क्लासिफिकेशन है एल्गी की, क्लासिफिकेशन एल्गी की बेटा उसके पिगमेंट्स के बेसिस पे ही है मेन, राइट। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं इसमें? यस, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स फाउंड इन एल्गी कौन कौन सी हैं? क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल,
carotenes and phycobilins. राइट, तो पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल की. राइट, क्लोरोफिल बेटा, जो क्लोरोफिल है बेटा, वैसे ये क्लोरोफिल का जो अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ आपको, तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला था C55H72O5N4MG. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए. वैसे क्लोरोफिल ए भी होती है, बी भी होती है, सी भी होती है, डी भी होती है, ई भी होती है, लेकिन बेटा जो सबसे कॉमन होती है एल्गी में, दैट इज क्लोरोफिल ए. राइट, क्लोरोफिल ए जो होती है बेटा, एंड बीटा कैरोटीन, उसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट मानते हैं एल्गी की. राइट, सो क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट. ऑफ एल्गी. क्लियर, ये जो क्लोरोफिल होते हैं बेटा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होती है. क्लियर. नेक्स्ट है बेटा कैरोटीन्स. कैरोटीन्स बेटा, इनका जो फॉर्मूला होता है दैट इज C40H56. ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं. ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. सो दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट है ज़ैंथोफिल्स. ज़ैंथोफिल्स बड़े, जो ज़ैंथोफिल्स होती है ना, ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स होती हैं जो, दे आर रिलेटेड टू कैरोटीन्स. एक्चुअली इसके साथ रिलेटेड होती हैं ये, बट इसमें ऑक्सीजन जो है वो होती है. सो C40H56O2. तो देखो इसका फॉर्मूला, देखो C40H56 था, इसका C40H56O2 है. राइट, अनदर है लास्ट फाइकोबिलिन्स. फाइकोबिलिन्स बेटा, मैंने पहले बताया फाइको वर्ड एल्गी के लिए होता है. राइट बेटा, ये एक तरह के हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसके साथ प्रोटीन अटैच हुआ होता है. सो दे आर एक्चुअली कोलोइडल प्रोटीनेशियस पिगमेंट्स. राइट, दे आर कोलोइडल, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल प्रोटीनेशियस पिगमेंट्स. राइट, और इनको हम बिली प्रोटीन्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज बिली प्रोटीन्स. तो ये हो गया इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर एल्गी का. फर्स्ट हमने पढ़ा था इसका, वो था इससे पहले थैलस पढ़ा था, और उससे पहले इसका हैबिटेट था. अब इसकी हमने पिगमेंट्स की डिस्कशन भी कर ली. राइट, अब हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन की. सो एल्गी की हम बात करेंगे अब रिप्रोडक्शन, फोर्थ फीचर. राइट, बट जो एल्गी की रिप्रोडक्शन है दैट इज वाया थ्री वेज, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय द फ्रेगमेंटेशन. राइट, सो फर्स्ट हम पहले बात करेंगे वेजिटेटिव की, बाय फ्रेगमेंटेशन. सो एज द नेम इंडिकेट्स, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, दैट फिलामेंट्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस एंड फॉर्म न्यू फिलामेंट्स. सो फ्रेगमेंटेशन, एल्गी फिलामेंट ब्रेक्स इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट बिहेव्स एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. राइट, बी पार्ट दैट इज अनदर इज बडिंग. यस, एल्गी भी बडिंग शो करती है, बड लाइक आउटग्रोथ डिवेलप हो जाती है थैलस से, सेम वैसी, और फिर वो कट ऑफ हो जाती है एंड डिवेलपिंग टू न्यू इंडिविजुअल. और ये स्पेसिफिक एक एल्गी में दैट इज प्रोटोसाइफोन. सबसे कॉमन जो है वो तो फ्रेगमेंटेशन ही है, प्रोटोसाइफोन एल्गी में. राइट, इसके अलावा अनदर जो है दैट इज
वाया सेल डिवीजन. तो ये सिंगल सेल एल्गी में है, दैट इज वाया सेल डिवीजन. और इसकी एग्जांपल है दैट इज माइक्रास्टेरियाज फरकेटा. राइट, तो ये थी इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब हम बात करेंगे इसकी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की. हमें पता है बेटा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कैसी होती है, विद द हेल्प ऑफ सिंगल पेरेंट ओनली, नो गेमीट फॉर्मेशन. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पहले जू स्पोर्स. एल्गी में क्या बनते हैं बेटा, जू स्पोर्स. अब आपको शायद बताने की जरूरत नहीं होगी कि जू स्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनके पास फ्लैजेला होता है, ये जू स्पोरेंजियम में बनते हैं. राइट, और इनके पास दो तरह का फ्लैजेला होता है. क्लियर, तो फेवरेबल कंडीशंस में जो बनेंगे वो बनेंगे जू स्पोर्स. राइट, लेकिन ए प्लानोस्पोर्स बेटा मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी. ए प्लानोस्पोर्स याद है, व्हेन डॉटर प्रोटोप्लास्ट फेल टू डेवलप फ्लैजेला, दे आर ए प्लानोस्पोर्स. दे आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. राइट, सो दे आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. वैसे ये क्या होते हैं बेटा, ये भी सिंगल सेल ही होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं. अब प्लानोस्पोर्स ये बनते हैं मेनली एल्गी स्पायरोगायरा में और बनते हैं यूलोथरिक्स में. बेटा ये मैंने तभी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. राइट, और हिप्नोस्पोर्स बेटा, हिप्नोस्पोर्स भी अनफेवरेबल कंडीशंस में ही बनेंगे. सो दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशंस. राइट, और बेटा अगर मैं इनको कंपेयर करूँ ना ए प्लानोस्पोर से, तो बेटा ये ए प्लानोस्पोर से तो थिक होते हैं. सो दे आर थिक एज कंपेयर टू ए प्लानोस्पोर्स. They are thick as compared to aplanospores. Clear बच्चे? Next है, last अभी हम बात करेंगे echinids. Echinids बेटा, echinids तो बहुत special thick walled vegetative cells होते हैं जो filaments में बन जाते हैं. राइट, जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये दोबारा से जर्मिनेट कर लेते हैं. तो ये सिर्फ बनती तब है जब अनफेवरेबल कंडीशंस को क्या करना हो, टॉलरेट करना हो. ये भी ये बनेंगे स्पायरोगायरा में. सो दे आर स्पेशल थिक वॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स formed in filaments, right, which germinate on जो echinids हैं ये germinate करेंगे on the return of favorable conditions. तो favorable conditions में ये क्या कर जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे germinate. राइट, और ये जो echinids है ना बेटा, ये echinids भी स्पायरोगायरा में बनते हैं. हिप्नोस्पोर्स जैसे बन रहे थे फॉर एग्जांपल इन यूलोथरिक्स, नाम बेटा एल्गी का, इन वुचीरिया, नाम है एल्गी का वुचीरिया. क्लियर, तो ये थे हमारे पास कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स. अब हम बात करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी. क्लियर बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है इसमें गेमीट्स बनेंगे, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगी. क्लियर,
और इसमें दो सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, मेल के और फीमेल के, तो ये बाईपेरेंटल होती है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाईपेरेंटल, इन्वॉल्व गेमीट फॉर्मेशन. राइट, और फ्यूजन ऑफ गेमीट्स भी होएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट भी होगा. क्लियर? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है. मेल सेक्स ऑर्गन इट इज नोन एज एंथ्रीडियम एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ओगोनियम. सो एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम. और मैंने पहले बताया था कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एल्गी के वो यूनिसेलुलर होते हैं और जैकेटलेस होते हैं. सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस. कोई कवरिंग नहीं होती. राइट, बस इसके लिए एक ही एक्सेप्शनल केस है, सेक्स ऑर्गन जो ग्रीन एल्गी के होते हैं, कारा के स्पेशली. बेटर वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं और जैकेटेड भी होते हैं. बस एक्सेप्शनल केस जो है वो ग्रीन एल्गी है, एक एक्सेप्शन ग्रीन एल्गी कारा, उसके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर भी होते हैं और जैकेटेड भी होते हैं. राइट, क्लियर? राइट, और जो बेटा प्लांट बॉडी होती है एल्गी की मेनली हैप्लॉइड होती है, तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, वाया जाइगोटिक मियोसिस. राइट, प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड. बेटा इसकी मेन बॉडी हैप्लॉइड है, तो सोचो अगर जायगोट बनेगा अभी तो जायगोट को मियोसिस करनी पड़ेगी, तो ही जाके हैप्लॉइड एल्गी आगे बन पाएगी. और राइट, सो सेक्सुअल जो इसकी रिप्रोडक्शन है वो कैसी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जायगोटिक मियोसिस, थ्रू जायगोटिक मियोसिस होएगी. बट बड़ा एक्सेप्शंस हमेशा होती है हमारे पास, लेकिन ब्राउन एल्गी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है. ब्राउन एल्गी आर डिप्लॉयड. इसकी एग्जांपल है फ्यूकस. बड़ा फ्यूकस ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड होती है. एक और भी है एग्जांपल, सारगैसम. सारी नहीं, ये दोनों मेनली. राइट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा तीन तरह की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. कौन कौन सी बेटा, ये हम पहले भी करा चुकी हूँ, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी. सो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी. तो आइसोगैमी क्या होता है, जिसमें जो गेमीट्स होंगे दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर एंड दे आर सो मच सिमिलर दैट नो वन कैन टेल देम अपार्ट. राइट, तो आइसोगैमी किस किस में होती है, मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ. क्लमाइडोमोनास, ये सिंगल सेल्ड मोटाइल एल्गी होती है. क्लमाइडोमोनास. अनदर एग्जांपल इज यूलोथ्रिक्स, ये भी एक एल्गी है. राइट, another is Actocarpus, another is Spirogyra, right, another is Cladophora. and isogamy में क्या होता है, gametes होंगे dissimilar in shape होंगे, या तो shape या size उनका अलग होगा. right, और gametes जो हैं they maybe इनकी जो physiology होगी वो अलग होगी. मे बी अगर देखो शेप सेम हुई
तो फिजियोलॉजी अलग होगी, फिजियोलॉजी सेम हुई तो शेप अलग होगी। तो इसकी एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर भी आया था, लेकिन यहाँ पे क्लमाइडोमोनास जो स्पीशीज है वो है ब्राउनी, क्लमाइडोमोनास ब्राउनी। और यहाँ पे जो स्पीशीज है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसकी स्पीशीज का नेम, क्लमाइडोमोनास डी बैरिनम, राइट। ओगैमी, बेटा ओगैमी किसमें है? ओगैमी क्या होता है? जिसमें बड़ा मेल, बड़ा गेमीट फीमेल गेमीट होता है, नॉर्मोटाइल होता है, छोटा गेमीट मेल गेमीट होता है और मोटाइल होता है, राइट। उसको हम बोलते हैं ओगैमी। और ये किसमें होती है? क्लमाइडोमोनास में। देखो अब यहाँ पे भी है, लेकिन क्लमाइडोमोनास की स्पीशीज अलग है। क्लमाइडोमोनास कौन सा है? ये कोकीफेरा। अनदर एग्जाम्पल सार्गेसम। अनदर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। अनदर एग्जाम्पल इसकी फ्यूकस। कौन सी? फ्यूकस। अनदर एग्जाम्पल इज कारा, राइट। सो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, राइट। अब हम बात करेंगे एल्गी के लाइफ साइकिल की, ठीक है। एल्गी में दो तरह का लाइफ साइकिल होता है बेसिकली, एक होता है इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एक्सेप्शन भी है ऐसे तो हमारे पास, राइट। हम बात कर ही रहे थे, मेजर जो इसका साइकिल होता है वो हैप्लॉन्टिक होता है, क्लियर। तो शुरू करते हैं लाइफ साइकिल्स इन एल्गी, राइट। ऐसे तो बेटा इसमें तीन लाइफ साइकिल्स होते हैं, एक इसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होता है। तो फर्स्ट हम पहले बात करेंगे हैप्लॉन्टिक। अगर आपसे कोई मेजर पूछे तो मेजर लाइफ साइकिल इसका कौन सा होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक मतलब मेजर फेज इसका क्या होएगा बेटा? हैप्लॉयड होगा। तो देखो कैसे, अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इसका मेन प्लांट बॉडी भी क्या होगा बेटा? हैप्लॉयड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या बोलेंगे? गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी, दैट इज एन, राइट। गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर क्या आएंगे बेटा? गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया क्या होती है? ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें क्या बनेंगे? अब गेमीट्स बनेंगे। गैमिटेंजिया भी क्या होंगे? एन। अब इसमें क्या बनेंगे? गेमीट्स। गेमीट्स भी कैसे होंगे? एन। लेकिन ध्यान रहे, अब यहाँ पे क्या नहीं होगी? मियोसिस नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी प्लांट क्या है? एन है। मियोसिस से तो क्रोमोसोम नंबर और हाफ हो जाता है, लेकिन अगर पहले से ही हाफ हो तो वो फिर कैसे बनाएगा गेमीट्स अपने? वाया माइटोसिस, राइट। अब गेमीट्स की क्या हो जाएगी? फ्यूजन। फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। फ्यूज होने के बाद क्या बनता बेटा? जायगोट। अब जायगोट क्या बना? 2N। अब जायगोट आगे क्या करेगा? जायगोटिक मियोसिस, क्योंकि इसको क्या बनना है अभी? गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बनना है। सो जायगोटिक मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस आगे क्या बनाएगा? स्पोर्स, एन। वो स्पोर्स क्या करेंगे फिर? जर्मिनेट। जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी अगेन, राइट। सेकंड जो इसका लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसका मेजर फेज क्या होएगा? डिप्लॉयड। इसमें देखो मेजर फेज कौन सा है? हैप्लॉयड। देखो एन एन एन, ये भी एन, तो सिर्फ इतना सा फेज आया है 2N, बाकी सारा क्या आया है? एन। तो इसका ये कौन सा साइकिल हो गया? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम पढ़ेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अब मेजर फेज क्या होगा? कोई डिप्लॉयड, तो मेजर फेज क्या होगा? स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड, राइट। मतलब 2N होगा। अब ये क्या करेगा? गेमीटोजेनेसिस बेटा, क्योंकि देखो अब स्पोरोफाइट के ऊपर भी गेमीट्स तो आएंगे। गेमीटोजेनेसिस, गेमीटोजेनेसिस मतलब गेमीट्स की फॉर्मेशन। तो क्या बन जाएंगे? गेमीट्स, एन मेल गेमीट और एन फीमेल गेमीट। तो मेल ये फीमेल, इन दोनों की फ्यूजन, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी, राइट। उससे क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट क्या होगा? 2N। अब इसको आगे अब हाफ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ये क्या है? 2N। तो जायगोट क्या करेगा? सीधा ही
जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करके 2N स्पोरोफिटिक बॉडी बना देगा। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, 2N सिर्फ इतना सा फेज क्या है, N, बाकी सारा 2N 2N 2N, राइट। तो ये कौन सा हो गया, दैट इज डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, राइट। नेक्स्ट है डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल या हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। हाफ हाफ, आधा डिप्लॉइड आधा हैप्लॉइड, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा, 2N, कैसी होती है 2N डिप्लॉइड। उसमें क्या आएगा, उसके ऊपर आएगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या बनता है बेटा, स्पोर्स। स्पोरेंजियम भी कैसा होता है, 2N, राइट। तो 2N होता है, अब इसमें भी क्या होएगी बेटा, मियोसिस होएगी। इसको हम बोलेंगे स्पोरोजेनिक मियोसिस, स्पोर्स बनने के लिए। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, N स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स क्या करेंगे, अब जर्मिनेट। जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे ये स्पोर्स, गेमीटोफाइट बनाएंगे। गेमीटोफाइट क्या होता है बेटा, हमेशा N होता है, राइट। अब गेमीटोफाइट के ऊपर क्या होएंगे बेटा, सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट। और इसमें क्या बनेंगे, मेल गेमीट और इसमें बनेंगे फीमेल गेमीट। और ये गेमीट कैसे होते हैं, एन, ये भी एन। अच्छा, और एन एन की फ्यूजन से इसको हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी। क्या बनेगा अब फ्यूजन से, बनेगा जायगोट। जायगोट कैसा होता है, 2N। अब जायगोट सीधा क्या कर देगा, जर्मिनेट और क्या बना देगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब आप देखो ये 2N ये 2N, राइट। तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये कैसा फेज था, डिप्लॉइड, ये कैसा है, हैप्लॉइड। तो आधा डिप्लॉइड आधा हैप्लॉइड, तो ये कैसा हो गया, डिप्लो हैप्लॉन्टिक या हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये स्पेसिफिक है किसमें, इन डिक्टयोटा एंड इन एक्टोकार्पस, एल्गी में, राइट, क्लियर। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की एग्जांपल थी हमारे पास, किसमें होता है ये, इन फ्यूकस ब्राउन एल्गी एंड इन सरगैसम, वो भी क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। तो इसी के साथ ही हमारे जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी हुए खत्म। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी।